मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक बीमा LIC संस्था के अडानी समूह द्वारा लोन लेकर महाघोटाला किया गया है, जिससे आम जनता का जमा पैसा डूबने का डर बना हुआ है। उसको लेकर बागली में थाना चौराहे पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कमल मस्कोले के नेतृत्व में राष्ट्रीयकृत बैंक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष कमल मस्कोले का आरोप है कि अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए फर्जी कंपनियों के नाम से शेयर खरीदे गए और पहले उन्हें ऊंचे दाम पर दिखाया गया, फिर शेयर के दाम एकदम कम बताकर बैंक एवं LIC कंपनी से जो उक्त कंपनी ने लोन लिया था उसे डुबाने की रणनीति बनाई जा रही है, जो कि आम जनता के मेहनत की कमाई है। इस पूरे मामले की केंद्र सरकार निष्पक्ष जांच कराए। कांग्रेस ने इसी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। द्वारा बागली में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जो धरना प्रदर्शन किया गया है, उसका मूल उद्देश्य यह है कि भारत के अंदर जो अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप को मोदी सरकार ने फर्जी तरीके से हजारों करोड़ रुपए का लोन दिया और हजारों करोड़ रुपए का लोन देकर जो अडानी ग्रुप को ऊंचे पायदान पर पहुंचाया गया है, जिससे उनके शेयर मार्केट ऊंचे दाम पर पहुंचे। और जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट के माध्यम से पता चला कि इनके शेयर मार्केटों में भारी गिरावट है और ऐसे में गिरावट होने के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से LIC के माध्यम से जो हजारों करोड़ रुपये का जो लोन लिया गया है वो लोन डूबने के कगार पे है और ऐसे में हमारे भारत देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा डूबने के कगार पे है। इसलिए हमने इस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सारे ब्लॉक में ये हमने आंदोलन किया है। क्या मांग की जा रही है? हमारी मांग ये है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो पैसा लिया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा, वो मोदी जी उन्हें साथ सम्मान लौटा है। LIC के माध्यम से जो पैसा लिया गया है वो उन्हें साथ सम्मान लौटा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।